में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं आई थिंक उन्हें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, राइट? जिस दिन गट्स होंगे यहां पे आके खड़े होने की, उस दिन पता लगेगा कि चीज क्या होती है, ठीक है? हमारा निशा जय माकरनी, आप सभी की लाडली, राजस्थान की लाडली रतन चौहान की तरफ से जय माकरनी रीसा। एक लाइन कहना चाहूंगी, हमेशा करनी माता को दिल से मानू ना करूं प्रणाम, अगोर काई केणो सा जय मां करनी, जय मां करनी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पूरी टीम का, कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने विचार आप सभी के सामने व्यक्त कर सकूं। सिर्फ उसी के लिए जो सुनना चाहे, जो नहीं सुनना चाहे उन्हें भी सुनना पड़ेगा, क्या करें, राइट? थैंक यू सो मच। तो क्या मैं जर्नी बताऊं? बतानी चाहिए। बिल्कुल रील्स, दैट्स व्हाई आप लोग यहाँ बैठे और मैं यहाँ खड़ी हूँ। रील्स स्टार्टिंग नॉर्मली टिकटॉक वीडियो से करी थी, मैं शुक्रगुजार हूँ टिकटॉक को लेकर जो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ आप सभी के सामने हूँ और मेरे बिना बोले आप लोग मेरा नाम जानते हैं। शुक्रगुजार हूँ टिकटॉक की, जिसकी वजह से मैं यहाँ जानी जाती हूँ। मेरी पढ़ाई, भाई की स्टडी, पापा की खराब तबीयत, इन सबको ध्यान में देते हुए वो 15 सेकंड की जो रील्स थी ना, उससे मुझे कहीं बाहर निकलना था कि यार इससे इनकम नहीं होने वाली, इससे बैठ के मैं खाना नहीं खा सकती, मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती, मेरे पापा की तबीयत के लिए जो दवाई आती है वो नहीं आ सकती। ऑब्वियसली उस 15 सेकंड के वीडियो से मुझे बाहर निकलना था। जब रील्स डालती थी, हाँ उससे पहले मैंने छोटी मोटी जॉब भी करी है और उस जॉब से जो सैलरी मिलती थी तो उस सैलरी से जो मेरी विशेष थी ना वो भी पूरी नहीं हो पाती थी। हालांकि मेरी विशेष मैं कभी पूरी करती नहीं हूँ क्योंकि उससे पहले मैं अपनी मम्मी और अपने भाई की जो विशेष है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। मैं तो पूरी कर लूँगी, पता नहीं वो लोग कब पूरी करेंगे। तो 15 सेकंड की रील्स मुझे कमा के नहीं देती थी, मैं घर में रहना, जॉब करना, फिर तो उसी पे आप जैसी जो छोटी सी मेरी फैमिली है उन्हीं के नीचे कॉम्प्लीमेंट्स होते थे, बहुत वल्गर कॉम्प्लीमेंट्स भी होते थे तो बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी होते थे। मैंने उसको साइड में रखा, मैं यहाँ आई, मैंने कॉमेंट्स रीड किया, भाई साहब आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। मैंने सोचा यार बोल रहे होंगे ऐसे ही चढ़ाने के लिए, लोग बहुत कुछ करते हैं चढ़ाने के लिए, और रील्स डाली, वीडियोज बनाए, भाई साहब सच में आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आप कहाँ से ये परचेज करते हैं, कहाँ से लाते हैं? बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, झुंझुनू मंडावा की मैं बेटी हूँ। तो जब मैंने कॉम्प्लीमेंट्स पढ़े, मैंने कॉमेंट्स पढ़े तो मेरी एक फ्रेंड है अक्षिता पारिक, जो मेरी छोटी बहन है उसे कह सकती हूँ, उसके जितना सपोर्ट मेरा तो मैं हूँ। तो धीरे धीरे राजस्थान में घूमी, सोची कुछ और काम करने से बेटर क्यों ना राजस्थान को ही आगे लेके चले, यही प्रिंट सामने लेके आ जाए। मेरे साथ नहीं था, हमें लगता है कि मेरे पास पैसा होगा, फैमिली का सपोर्ट होगा, दोस्तों का सपोर्ट होगा। मैं एक बार और क्लियर कर दूँ, दोस्त
बहुत दोस्त थे मेरे, 10, 12, 15, 20, 25 जितने हो सकते थे, जितना बना सकती थी। जब मुसीबत की घड़ी में थी, एक दोस्त आके खड़ा नहीं हुआ, वो मुसीबत मैंने खुद नहीं झेली। तो दोस्त राइट। तो धीरे धीरे मैंने अपना ऑनलाइन स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास इनकम का सोर्स कुछ भी नहीं था, घर से ऑनलाइन काम करती थी मैं। नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कौन लेगा मुझसे, क्यों लेगा शर्ट यार, क्या है, सभी देते हैं ये तो, सभी के पास सेम है प्रिंटेड शर्ट। उस वक्त प्रिंटेड शर्ट का नहीं था, आई थिंक फॉर्मल शर्ट और लाइनिंग वाले शर्ट थे, सभी के पास मिलता है, कोई डिफरेंट नहीं था, कुछ नहीं। फ्लॉप मूवी, फ्लॉप नहीं, हार नहीं माननी है, करना है कुछ। जेब में कुछ भी नहीं था, कहाँ से इन्वेस्टमेंट करूँ, कहाँ से क्या करूँ। उस वक्त पापा की मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियली मेरा दिखाने के लिए सिर्फ 10 शर्ट इधर 10 पैंटे इधर। मुझे खुद को शर्म महसूस होती कि कोई कस्टमर गलती से भी आ गया तो मैं क्या सेल आउट करूंगी, मेरे पास तो कुछ बेचने के लिए है ही नहीं। बट हिम्मत रखी, मैं खड़ी रही, मेरी जो फ्रेंड अक्षिता वो मेरे साथ खड़ी रही, धीरे 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 अपना काम किया। फिर मैं जो देख रही थी कि यार जो रील्स है वो मुझे क्या कमा के दे रही है, क्यों ना अपने इस काम को मैं रील्स में इंक्लूड करूं। हालांकि अपन इंस्टाग्राम क्यों यूज में देते हैं, वीडियो बना लेंगे, लिपसिंग वाले वीडियो बना लेंगे, या फिर आजकल जो वल्गर वीडियोस सब देखते हैं, यहाँ पूछेंगे तो सब मना करेंगे, वो जो वीडियोस चल रहे हैं सब उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैंने अपना वो जो रील्स वाला जो आइडिया था वो अपने बिजनेस में इंक्लूड कर दिया। शर्ट पहनती, खुद ही वीडियो बनाती, खुद ही बोल बोल के, खमा गणिसा जमा करनी, फलाना आपका पार्सल डिस्पैच हो चुका है, जब भी आपके पास पहुंचे फीडबैक जरूर दीजिएगा, थैंक यू सो मच जमा करनी। वीडियो बनाना स्टार्ट किया मैंने, धीरे 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 वहां अलग और कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, करनी फैशन के नाम से। अब करनी फैशन, करनी बहुत से लोग बोलते हैं कॉपी किए हैं, ये क्या है, माता जगदम्बा हम सबकी देवी जिनकी वजह से आप यहाँ बैठे हो, वो करनी मैंने इसको चूज किया, क्योंकि मैं अगर आगे बढ़ रही हूँ तो उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की दया से, सब कुछ उन्हीं की वजह से। तो करनी फैशन प्रिंटेड शर्ट, आज आप किसी भी कोने में जाएं, राजस्थान, जयपुर, राजस्थान, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, मेरा नाम कोई नहीं बोलेगा करनी फैशन, अच्छा रतन पाइसा वाले करनी फैशन, और पहले क्या होता था, रतन चौहान, आज करनी फैशन रतन पाइसा वाले करनी फैशन। सिर्फ डिफरेंस यही है, पहले वीडियो बनाती थी वहां इज्जत नहीं थी, आज भी वीडियो बनाती हूँ दिल से इज्जत है, ये कुछ एक अपवाद है जो हमको हद कहीं मिली से करना है। कभी आइए करनी फैशन, दिल से स्वागत, दिल से सत्कार करूंगी, यही पगड़ी जो मेरा सम्मान है आप सबको दूंगी, थैंक यू सो मच, जय मां करनी। मैम इतनी आसानी से नहीं, एक गाना तो बनता है, अगर अभी आपने जो फैशन शो के टाइम पे सॉन्ग सुना था वो रतन मैम ने ही गाया है, तो दो लाइन तो बनती है मैम। जो सुनना चाहते हैं उनके लिए तो ही, जो अभी जो गाना आप लोगों ने सुना जयपुरी हो, बाय मिस्टेक मैंने गा दिया था, अभी आवाज इतनी क्लियर नहीं है, बट सुनना तो पड़ेगा ही। गुलाबी नगरी देखण चाला बन सा हालो सागे ओ सारे यो मारो जीव कावे हिच कोला जयपुर जावण लारे सापे जयपुरी ओ जी मारो जयपुरी ओ घणो निरालो मारो जयपुरी ओ जयपुरी ओ जी मारो जयपुरी ओ घणो निरालो मारो जयपुरी ओ। थैंक यू सो मच। हेलो, आई एम सॉरी, रतन का 31st ऑगस्ट को बर्थडे है, रतन कैन वी से हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस, एवरीबॉडी क्लैप फॉर रतन प्लीज, हैप्पी बर्थडे।
your confidence. And I like it. And everyone should have that confidence in her. Every girl and every boy should have this confidence of kicking out all the negativism and bringing in your positivity. Thank you so much. एक्चुअली ना एक छोटी लाइन और कहना चाहूंगी, थोड़ा सा बोर और होली देखकर लोग बा कहते हैं कि अगर तुम लड़की हो तो लड़के की तरह क्यों रहती हो, तुम्हें शर्म आती है लड़कियों की तरह रहने की, या तुम्हें भगवान ने जो गॉड गिफ्ट दिया है लड़कियों की तरह रहने का तुम्हें वो पसंद नहीं, तुम क्यों लड़कों की तरह रहती हो? तो जवाब तो हालांकि मैं दे चुकी हूँ बहुत पहले ही, बट अगर किसी साथ ये हो, सभी के साथ होता है, मैं लड़का या लड़की के बारे में चीज नहीं भूलूंगी, आज लड़कियां हैं उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, स्पेशली लड़कों का दर्द नहीं समझ सकता कोई भी, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे जानती हूँ। मेरा भाई खुद काफ़ी डिप्रेशन में था, बट वो हमें नहीं बताता था कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम उसे पूछने की कोशिश करते, मना करता, क्योंकि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के क्यों नहीं समझने वाला कोई नहीं होता। तो सीरियसली मैंने समझाया, तो जब ये बात होती थी ना कि यार तुम लड़की हो तो लड़कियों की तरह, सर सच में आपको भी लगा होगा ना मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, आपको पता था? थैंक यू। मैं को पूछती इसने क्या लिखा है, मैं बोलूंगी नहीं, अरे रतन शायद ये गाली है, अरे यार एक और ऐड कर अपने उसमें, तू तो एक और गाली है ये, नहीं मतलब उसको देख के ऐसा होता था, कोई बात नहीं आ रहा है लोगों की नजरों में। उनको ये जवाब देना है कि आप लोग ये डिसाइड करने वाले बोलने वाले कोई भी नहीं होते हैं, हम क्या हैं होते हैं, हमें क्या करना है ये सिर्फ हमारे हाथ में, इज्जत हमारे हाथ में, उसे यहाँ जूती के नीचे रखना हमारे हाथ में, और नीचे से उठा के वहाँ ऊपर तक लेके जाना ये भी हमारे हाथ में। तो कभी झुकना मत, डरना मत, कुत्ते भौंकेंगे वो भौंकने के लिए होते हैं, हम दहाड़ेंगे दहाड़ने के लिए हैं, बस जय हमारे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स काइंड।